अशोक सिंघल में सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर पूरी तरीके से इफेक्टिव दिख रहा है लॉकडाउन? बिल्कुल, मैं बंगाली मार्केट में इस वक्त मौजूद हूं और पहली सुबह लॉकडाउन की, यहां पर जो जरूरी सामान की चीजें हैं वो तो खुली हैं, स्वीट्स की दुकानें खुली हैं, जैसे देख सकते हैं बंगाली मार्केट के अंदर बंगाली स्वीट्स खुला हुआ है, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे हैं। बाकी मार्केट बंद है, किराना की दुकानें खुली हैं और मेरे पीछे एक दुकान जो कि नथु स्वीट्स करके बहुत फेमस दुकान है वो खुली है, लेकिन ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर। उनको आप हम बात करने की कोशिश करेंगे उनके मैनेजर से। आप ये बताइए कि कितने लोग, दुकान खुली हुई है सर, सिर्फ यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है या सिर्फ ले जा सकते हैं आदमी? सर मेरा सिटिंग अलाउड नहीं है सर, खाली हम टेक अवे और पैकिंग कर सकते हैं सर, अभी सिटिंग अलाउड नहीं है सर। तो लोग आ रहे हैं, ग्राहक पहले की अपेक्षा कम है, लॉकडाउन का असर है सर? थोड़े कम आ रहे हैं सर, बहुत कम आ रहे हैं अभी, लेकिन आ रहे हैं कुछ ग्राहक आ रहे हैं सर। मिठाई लेके जा रहे हैं? हाँ जी, लेके जा रहे हैं। और यहाँ कोई दूसरी चीजें आप नहीं बना रहे हैं खाने पीने? नहीं सर। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर दुकानदारों पे पड़ा है, बहुत कम लोग ग्राहक आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बंगाली मार्केट का पूरा दिखाना चाहूंगा, पूरी मार्केट यहाँ बंद है, सिर्फ किराना स्टोर और मिठाई की दुकानें खुली हैं और फल की दुकानें खुली हुई हैं। बाकी पूरी मार्केट आप देख सकते हैं कि बंद है यहाँ पर, और लॉकडाउन का अच्छा खासा असर यहाँ दिखाई दे रहा है। जो जरूरी सामान से रिलेटेड लोग हैं, लॉजिस्टिक आपके पास अशोक, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैक्सीन निर्माताओं के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज ये बैठक करेंगे। जो वैक्सीन निर्माता है, कोविशील्ड बनाने वाले या फिर कोवैक्सीन बनाने वाले निर्माताओं के साथ पीएम की मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री मोदी आज इस पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से लगातार वैक्सीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसे लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है निर्माताओं के साथ, ये पीएम की अहम बैठक। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशोक, हमने देखा था कैसे कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लंबा चौड़ा बजट अनाउंस किया है वैक्सीन के लिए, आज ये अहम बैठक वैक्सीन निर्माताओं के साथ होने वाली है। क्या लगता है इस मीटिंग का अहम मुद्दा वैक्सीन से जुड़े प्रोडक्शन को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन निर्माताओं से बाहर प्रोडक्शन को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि कल ही घोषणा की थी वैक्सीनेशन के थर्ड फेज की, उसमें ये कहा गया था कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मतलब यह है कि काफी बड़ी आबादी को अब वैक्सीन लगाई जाएगी, पहले 45 साल से ऊपर के लोगों की थी। तो वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो, वैक्सीन की कमी ना हो, उसको देखते हुए वैक्सीन निर्माताओं से आज बातचीत की जाएगी, ताकि उनको कहा जाएगा कि शॉर्टेज ना हो, आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि कोई भी कमी किसी भी सेंटर पर ना दिखाई दे, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे उस पर कोई कमी ना हो। तो उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या दिक्कत आएगी ज्यादा प्रोडक्शन को लेकर के, क्या मदद सरकार कर सकती है और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इन तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी प्रधानमंत्री। शाम 6 बजे ये अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन निर्माताओं के साथ होने वाली है। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन के बावजूद भी महाराष्ट्र में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, एक चिंता का सबब है सरकार के लिए। बहुत ही बड़ा चिंता का सबक है नेहा, और इसके लिए अब लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट करने की भी बात की जा रही है। इस वक्त हम विले पार्ले के सब्जी मार्केट में मौजूद है, और मैं आपको बता दूं नेहा कि कल जो हेल्थ मिनिस्टर है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उनकी एक अहम बैठक हुई है, और अब वो ये नतीजे पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जो सब्जी मार्केट खुले रहते थे, अब उसको कम किया जाए, उसकी अवधि कम किया जाए, और सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक ही जो है सब्जी मार्केट को खोला जाए। दूसरी सबसे अहम जानकारी नेहा मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमित बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 60,000 से ज़्यादा संक्रमित बच्चे की तादाद है, जो पिछले एक महीनों में ही हुई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात नेहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, उनकी संख्या 9,000 से ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को भी अब बहुत तेजी से शुरू करने की मांग है, क्योंकि कई कई जगह पर जो दूसरा डोज होता है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी कठिनाइयां हैं, ऊपर से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की तो दो बातें है ही,
तो पूरी तरीके से किस तरीके से इस पर नियंत्रण लाया जाए और शायद आने वाले कुछ दिनों में जो लॉकडाउन के जो नियम है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो और ज्यादा कठोर किए जा सकते हैं, नियम कड़े किए जा सकते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, उत्तर प्रदेश की क्या ताजा स्थिति है? वहां पर भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां पर अब सरकार बेड्स को लेकर या फिर जो तमाम जरूरत की मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं उन्हें लेकर अब अपना अभियान तेज कर रही है? देखिए नेहा, सबसे पहले तो बता दें कि जो संक्रमण की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो 28,000 से 30,000 प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये आंकड़ा अभी पिछले 4-5 दिनों से यही मेंटेन कर रहा है, 28,000 से 30,000। और साथ साथ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 5,800 से 6,000 इसके आसपास ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे पर हूं और यहां पर बिल्कुल जिस वक्त हम लोगों ने लॉकडाउन देखा था वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। लोग बेहद ही कम निकल रहे हैं, स्वतः स्फूर्त ये बंद जैसा है। लेकिन जैसे कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 5 शहरों को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए और सरकार 15 दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को सोचे, लेकिन उसके तुरंत बाद सरकार ने साफ कर दिया कि कोई लॉकडाउन वो नहीं लगाने जा रही है, क्योंकि लोगों के लिए जीविका यानी रोटी भी बेहद जरूरी है और अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो लोगों के जीवन पर भी मुश्किल आएगी। हालांकि इसके बारे में दो थ्योरी है। जिस तरीके का संक्रमण इस वक्त बढ़ रहा है नेहा, लोग बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जाना जरूरी है। कई स्वतः स्फूर्त जितने दुकानदार हैं हजरतगंज, अमीनाबाद, ऐसे बड़े बड़े मार्केट सारे इस वक्त बंद हो चुके हैं, लोग ज्यादातर इस वक्त घरों में हैं।